सुपर ब्लॉक एलिया के अंतर्गत ग्राम सभा तिहार के मजरा नहरिया पर गांव में एक गरीब परिवार रामपाल मौर्य इस भयंकर बरसात में अपनी झोपड़ी के नीचे परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा है। इनका परिवार काफी बड़ा है, कई बच्चे भी हैं। इनके झोपड़ी के सिवा इनका कुछ भी नहीं है। इनके झोपड़ी के आसपास पानी पानी भरा जाता है। यहाँ लोग रात में बरसात में झोपड़पट्टी में परिवार लेकर बैठे बैठे सोते रहते हैं। इनको अभी तक सरकार से कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। यहाँ इनके रोजी रोटी मजदूरी के सहारे चलती है। यह परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर भी लगाता रहता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जो इनको सरकारी योजना का लाभ मिल सके। इनके पास एक आवाज़ भी नहीं है। अब देखना तो यह होगा कि इनकी बात सुनी जाती है या यूं ही झोपड़पट्टी में यह गुजर बसर करते रहेंगे। विनित सिंह की रिपोर्ट। ना कुछ ना मिला, सब भर गया है। मकान वकान जो है ना आवास मिली है ना कुछ मिला है, और रहने के लिए जगह नहीं है कहूँ। तो आज कैसे गुजारा किया इसमें? और जो है बाहर ऐसे बैठे बैठे रहे रात भर, बैठे बैठे रात भर कट गया इतनी बरसात में, बैठे बैठे जो है सब कटा। अच्छा, सरकार द्वारा कोई लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। इसके पहले प्रधानी के पहले नहीं मिला कुछ? पहले भी नहीं मिला। क्या नाम आपका? रामपाल। कौन सा गाँव है? नहरियापुर। ग्राम सभा तिहार। तिहार तिहार। अब आप क्या चाहते हो? अरे कुछ व्यवस्था मिले कि नहीं चाहिए, रहने के लिए जगह नहीं है कहीं। इसके सिवा आपकी जगह कहीं नहीं है? कहीं नहीं है।